Hi students, welcome to the session. Good evening, how are you all? Good evening, bache. Kaise ho aap sab? I'm audible and visible, right? Tell me in the chat. I'm audible and visible, bache. Aap sab mere ko dekh sakte ho, sun sakte ho, koi dikkat, samasya, pareshani to nahi hai? Haan? Pranam, pranam. आवाज आ रही है ना बच्चे? चैट में मेरे को बता दो फटाफट. यस, चलो. थैंक यू सो मच बीना, थैंक यू सो मच बच्चे. सो कैसे हो आप सब? नो डीएसपी, वेरी वेरी फाइन. चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. लर्निंग विद एजुकेशन. यस. हाय जुनेद, गजिया, दीपा, नगमा मैम, हम ठीक है, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया बच्चे. मैम प्लीज सेंड टेलीग्राम लिंक. टेलीग्राम पर भेजा हुआ है बच्चे लिंक. अच्छा, कौन से वाला? अच्छा, ये वाला लिंक. ओके, चलो एक सेकेंड, मैं अभी भेज देती हूँ आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी. जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, लाइव चैट में बच्चे मैं भेज देती हूँ. ये रहा टेलीग्राम का लिंक. ठीक है, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया बच्चे, आप बताओ तैयारी कैसी चल रही है? हेलो देवदत्ता, हाय गायत्री, अनिका, नेहा, मेघा, प्रभात, सम्या, सोनम, रागिनी, नगमा, शैलेश, रूही, पूनम, नेहा, हेलो एवरीवन. सो हाँ जी बच्चे, आज हम क्या करेंगे? आज बेसिकली हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या फिर फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में एजुकेशन के लिए, ये हम पूरा का पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे. फटाफट से मैं आपको इसके कुछ मेन कंसेप्ट समझाऊंगी और फिर उससे रिलेटेड कुछ PYQs हम प्रैक्टिस करेंगे. ये है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये मेरा पर्सनल है, जहां पर आप मेरे को अपने डाउट्स भेज सकते हो अगर किसी भी टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है तो. और अगर आप सेशन में प्रेजेंट हो, एंजॉय करने की उम्मीद है. नमस्कार बच्चे, नमस्कार. तो ऑफकोर्स लाइक दी सेशन, सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके. कमेंट्स करो जितने ज्यादा कर सकते हो. अपने डाउट्स भी बच्चे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ. और ये लाइव कमेंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कमेंट, क्योंकि लाइव कमेंट तो फिर गायब हो जाएगी. ठीक है, तो नॉर्मल कमेंट में आप अपने डाउट्स बता सकते हो मेरे को. एंड एंजॉय दी सेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है. एंजॉय करते करते पढ़ाई करोगे तो ऑफकोर्स जो भी पढ़ोगे वो याद रहेगा. कितना टाइम लगेगा देखते हैं मीना बच्चे. अगर अच्छे से उसके साथ साथ आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी अपनी लाते रहोगे तो. टेलीग्राम लिंक मैंने सेंड कर दिया था बच्चे, अभी तो मैंने सेंड किया, लाइव चैट में ही सेंड किया. थोड़ा सा ऊपर स्क्रोल करो फिर आपको दिख जाएगा. चलो तो शुरुआत करते हैं सेशन की. आज के सेशन में वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन. वैसे हमारा जो सीरीज थी ना 180 प्लस क्वेश्चन वाली, वो अभी भी रहती है, जिसका एक सेशन हुआ है अभी. उस सेशन में भी मैं इस पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो 30 क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे आपके. अभी तो मैं आपके वो कंसेप्ट समझा के उससे रिलेटेड फटाफट से कुछ PYQs, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक्चुअली में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको कंसेप्ट समझा के कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगी. जो 180 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज थी वो अभी हम करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट की. तो ये लगा लो आज 10-15 क्वेश्चन, फिर और 30 क्वेश्चन, तो 40-45 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे. और बाकी जब आप फ्री ऐप सेशन पर आओगे बायजूस पर, तो वहां पर भी हम इस यूनिट से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे. और बाकी अगर आप कोर्स बैचेस के स्टूडेंट्स हो तो और ज्यादा बल्ले बल्ले है. और ये लगा लो 100 क्वेश्चन आप हर यूनिट से प्रैक्टिस करते ही रहोगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपकी स्टार्टिंग से ही बिल्ड होती जा रही है. चलो, सो गिव मी अ थम्स अप क्विकली इन द चैट.
अगर रेडी हो सेशन स्टार्ट करने के लिए तो फटाफट से एवरीवन, जल्दी से जल्दी से रेडी हो ना, गिव मी अ थम्स अप इन द चैट जल्दी, ताकि सेशन की शुरुआत हो सके। मैं आपको फटाफट से इस यूनिट के, जो हमारा यूनिट 8 है, इस यूनिट के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दूं और फिर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लें। गुड इवनिंग बसंती साधना, ओके ग्रेट। तो हाँ जी बच्चे, जब हम बात करते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में है क्या, आप सबसे पहले समझोगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बेसिकली आप करते क्या हो, आप साइंटिफिकली स्टडी करते हो, साइंटिफिकली आप कुछ टूल्स यूज कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप उसे यूज करते हो। जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लैपटॉप का, तो उसे भी चलाने का एक तरीका है, प्रॉपर स्टेप्स हैं, अलग अलग उसमें एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, अलग अलग वेबसाइट्स आप यहाँ पर सर्व कर सकते हो। तो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जो आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक टर्म्स पर वर्क करती है, सिस्टमैटिक है। और क्योंकि हम यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम एक अप्लाइड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जो हम एजुकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हो गई। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, आप सारे टूल्स एजुकेशन में यूज नहीं करोगे, बट यस, जो टूल्स आप एजुकेशन फील्ड में यूज कर रहे हो, या तो पढ़ाने के लिए, या फिर पढ़ने के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन जनरल पता होगा कि साइंटिफिक चलता रहेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, और ये इसके ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट हो जाता है इन जनरल, जो आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंस यही है कि हम चाहते हैं जो भी हमारे टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम एजुकेशन फील्ड में अचीव करना चाहते हैं, वो हम इजिली कर पाए, और यही फिर एडवांटेजेस में आ जाता है कि आप इजीली ODL में इसे यूज कर सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन में, इनफॉर्मल एजुकेशन में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आप इसे यूज कर सकते हो। जैसी आपकी अप्रोच होगी बिहेवियरिस्टिक कॉग्निटिव, वैसा आप डिवाइस, वैसा आप टूल यूज कर सकते हो बच्चे को पढ़ाने के लिए इन द क्लासरूम। एंड यस, टाइप्स में बच्चे फिर आ जाता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ये तो काफी बेसिक था, ठीक है, ये था काफी बेसिक। जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप्स में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये कम्युनिकेशन में आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयर करने में, जैसे आप लैपटॉप पर क्या करते हो, आप कोई चीज गूगल करोगे, इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक आ जाती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर आप इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन कर पाते हो, फिर उसे कम्युनिकेट, उसे शेयर भी कर पाते हो बाय डिफरेंट मीन्स। तो ये हमारी ब्रॉड टाइप्स या फॉर्म्स हो गई ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर आता है बच्चे ET, यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किस किस चीज के लिए। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कलिता। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट बच्चे, फॉर फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि हम जो नॉर्मली पढ़ाई करते हैं प्रॉपर सेटअप में, क्लास में, जो स्टूडेंट्स क्लास में एक्चुअली मेरे साथ कोर्स बैचेस का पार्ट हैं, उन्हें पता होगा ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, कि आप क्लासरूम सेटअप में हो, सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप चलोगे, आपको ऑलरेडी एक करिकुलम दिया गया है, वो आपको क्लासरूम की चार दीवारी में बैठकर फुलफिल करना है, या फिर स्कूल की बाउंड्रीज तक वो लिमिटेड रहेगा। फॉर्मल एजुकेशन में आप ईटी को यूज कर सकते हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जहां पर थोड़ी सी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप क्लास में ही बैठकर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। जैसे अभी का सेटअप क्या है बच्चे, ये नॉन फॉर्मल सेटअप है, ऑफ कोर्स हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चलना है, बट यस, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इनफैक्ट अभी जो हो रहा है ये टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हो पा रहा है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो हर जगह होती है, यानी कि कभी भी, कहीं भी, किसी से भी, किसी भी टूल से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ओके। पेपर टू के लिए, किसके लिए बच्चे, एक सेकेंड, हाँ जी। तो इनफॉर्मल एजुकेशन में आप कहीं भी कोई भी टूल यूज कर सकते हो टू लर्न एनीथिंग, ये इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी, एकदम थ्री इडियट्स टाइप।
जैसे कहीं पर भी जाकर जहां से ज्ञान मिले वहां से उसे प्राप्त कर लो और किसी भी टूल को यूज कर लो। आती है बच्चे इसी यूनिट में आपकी लर्निंग थ्योरीज। लर्निंग थ्योरीज का यहाँ पर क्या रोल है, ऑफ कोर्स हमें डिटेल में नहीं जाना है, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि लर्निंग थ्योरीज एक्चुअली एक अप्रोच सेट कर रही हैं टूवर्ड्स यूजिंग अ पर्टिकुलर टूल। आप कौन सा टूल यूज करोगे, कौन से ग्रेडर्स के लिए यूज करोगे, कब यूज करोगे, कौन सी एक्टिविटीज के लिए यूज करोगे, वो किस पर डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच कैसी है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, यानी कि आप बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहते हो ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो ऑफ कोर्स ये बिहेवियरिस्टिक आपकी लर्निंग थ्योरी यहाँ पर फॉलो होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कोई टूल यूज करोगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। कॉग्निटिव में आप क्या चाहते हो कि बच्चे की मेंटल प्रोसेसेस यूज हो, यही कहता है ना हमारा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, हमारी यही कहती है, राइट एवरीवन, है ना। तो बस आप मेंटल प्रोसेसेस चाहते हो बच्चा लर्निंग में साथ साथ यूज करता रहे, तो ऐसा टूल यूज करो। जैसे कि आप कोई गेम्स खिला रहे हो बच्चे को, ऑनलाइन गेम्स, तो अब वहां पर बच्चा क्या कर रहा है, अपने कॉग्निटिव स्किल्स को यूज कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है, आप चाहते हो ईटी का आप यूज करो और इस तरीके से यूज करो कि बच्चा कैपेबल हो जाए टू बिल्ड समथिंग, आइडियाज बिल्ड करना या फिर मे बी कुछ और वो बिल्ड कर पाए, खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाए। ये हमारा लेटेस्ट फॉर्मेट है ना, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, राइट। फिर उसके बाद आता है बच्चे अप्रोचेस टू ईटी। अब जब आप ईटी बना रहे हो या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हो, तो इसमें हमारी तीन अप्रोचेस आ जाती हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम अप्रोच। अच्छा चलो, स्टूडेंट्स मेरे को काफी सारे वो स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं जो क्लास में मेरे साथ होते हैं, बच्चे बताओ चलो हार्डवेयर अप्रोच या फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम किस चीज पर फोकस करते हैं, हार्डवेयर अप्रोच या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हम किस चीज पर फोकस करते हैं, बिहेवियर पर या कॉग्निशन पर। चलो चैट में बताओ फटाफट से, इसमें हम बिहेवियर पर फोकस करेंगे कि कॉग्निशन पर फोकस करेंगे, बताओ। जल्दी जल्दी, बिहेवियर पर, कॉग्निशन पर, हार्डवेयर में बच्चे, हार्डवेयर अप्रोच में हम किस चीज पर फोकस करते हैं, बिहेवियर पर या कॉग्निशन पर, क्या चीज आप मॉडिफाई करना चाहते हो इन दी हार्डवेयर अप्रोच। कॉग्निशन पर फोकस किया जाता है या फिर बिहेवियर पर फोकस किया जाता है, नहीं, इन दी हार्डवेयर अप्रोच आप कॉग्निशन पर फोकस करते हो एंड इन दी सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच आप बिहेवियर पर फोकस करते हो। ये चीज हमेशा याद रखना बच्चे, नहीं बस इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है बच्चे की, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि ये हार्डवेयर अप्रोच है तो यानी कि फिजिकल कंटेक्स्ट है तो ये बिहेवियर में ही चेंज आ रहा होगा, नहीं। आप हार्डवेयर अप्रोच से, कोई भी हार्डवेयर आपके पास, कोई भी टेक्नोलॉजी है बच्चे, तो अल्टीमेटली आप उसमें अपना ब्रेन अप्लाई करोगे, अपने कॉग्निटिव स्किल्स अप्लाई करोगे, अपने मेंटल प्रोसेसेस अप्लाई करोगे टू यूज इट। सो हार्डवेयर या प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, इसे पहली बारी ए लम्सडेन ने यूज किया था ये टर्म बेसिकली, और फिर यहां पर हम कॉग्निशन पर फोकस करते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर या फिर प्रोसेस ओरिएंटेड पर, क्योंकि प्रोसेस ओरिएंटेड है, यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसकी ऑपरेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यस बिहेवियर यहाँ पर बच्चे का मॉडिफाई होता रहता है सॉफ्टवेयर को जब वो यूज कर रहा होता है, क्योंकि वो कुछ कुछ सीखता जा रहा है, राइट बिल्कुल बिल्कुल। एंड लास्टली हमारे पास है सिस्टम या फिर इनपुट आउटपुट अप्रोच, जो कि क्या है बच्चे, ये सब पर फोकस करेगी, कॉग्निशन पर भी, बिहेवियर पर भी, रिजल्ट पर भी, प्रोसेस पर भी, प्रोडक्ट पर भी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट अप्रोच हम इसे प्रॉपरली बोलते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, एडी मॉडल, एश्योर मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल एंड मेजन्स मॉडल।
एडी मॉडल आपका डिजाइन पर फोकस करता है जब वो क्या बना रहा है, जब वो कोई इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बना रहा है। मैंने कोई टेक्नोलॉजी ले ली, मैंने लैपटॉप ले लिया, अब मेरे को लैपटॉप यूज करना सिखाना है बच्चों को, तो मैं कैसे इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो एडी मॉडल बताएगा। फिर एश्योर मॉडल भी बता सकता है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस मेरे को देने चाहिए अराउंड अ टेक्नोलॉजी। डिक एंड कैरी मॉडल भी बताता है, मेजन्स मॉडल भी बताता है। ठीक है, तो इन चारों मॉडल्स के ये काम है। एडी मॉडल ज्यादातर किससे बच्चे आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो जुनैद, कि वो कैसे कॉग्निशन पर फोकस करेगा, क्योंकि आप हार्डवेयर को यूज करोगे तो उसमें ऑफकोर्स आपको यूसेज के टाइम पर अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा ना, आपके बिहेवियर में तो चेंज नहीं आएगा, कैसे यूज कर पाओगे आप उसे। ओके हाँ जी, आप स्टेप्स बता सकते हो फटाफट से। एश्योर मॉडल किस पर फोकस करता है, आप बोल सकते हो काफी ज्यादा सिस्टमैटिक है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, तो इसीलिए लेसन प्लानिंग के लिए भी उसे यूज किया जाता है। डिक एंड कैरी मॉडल किस पर ज्यादा फोकस करता है, डिक एंड कैरी मॉडल इंप्लीमेंटेशन पर, हाँ जी। एंड देन मेजन्स का जो मॉडल है बच्चे, उसे आप बोल सकते हो होम स्कूलिंग मॉडल होता है काइंड ऑफ, यानी कि है ना, यहाँ पर आप बोल सकते हो इसका बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट एंड क्रिस्प है बच्चे, कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करो कि बच्चा क्लास में भी यूज कर पा रहा है और प्लस वो घर पर भी उसके साथ कंफर्टेबल है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होम स्कूलिंग मॉडल भी है, मेजन्स होम स्कूलिंग मॉडल, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी से ही रिलेटेड बच्चे डिक एंड कैरी में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन अ वेरी डिटेल्ड क्लास ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और वहां पर एनालिसिस डिजाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, शाबाश, और वहां पर इन डिटेल मैंने डिक एंड कैरी मॉडल, एश्योर मॉडल, एडी मॉडल ये सारे डिस्कस किए हैं। सो आफ्टर दिस क्लास इफ यू वॉन्ट टू गो डीप इन टू इट, तो आप ये क्लास पर्टिकुलरली देख सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास है गागनेज नाइन एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। नाइन एलिमेंट्स जो गागने ने बोला कि बहुत ज्यादा जरूरी है कंस्ट्रक्टिविस्ट इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के लिए, जिससे फिर हम इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे ने कुछ कंस्ट्रक्ट किया है, बच्चे ने कुछ सीखा है और फिर वो उसे रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। तो सबसे पहले आता है बच्चे, सबसे पहला स्टेप है रिसेप्शन। रिसेप्शन यानी कि आप बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो विद द टॉपिक, वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हो, जेस्चर, या फिर कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखा रहे हो, कोई भी नया टॉपिक। मैं आपको लैपटॉप के बारे में बता रही हूँ, तो लैपटॉप आपके लिए एलियन कंसेप्ट हो गया ना, नहीं पता लैपटॉप क्या है। तो अब पहले मैं कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखा दूं, कैसे मैं आपको लैपटॉप की कहानी सुना रही हूं, कैसे वो बना था, किसने बनाया था, कब बनाया था, तो ये होता है रिसेप्शन। फिर है एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अब डिटेल में मैं आपको उस टॉपिक में लेकर जाऊंगी। पहले तो इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखा दिया, अब मैं आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म करूंगी टॉपिक के बारे में एक्सपेक्टेंसी में, जिससे फिर आपको भी पता चलेगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से, क्या सीखोगे आप इस टॉपिक से। देन है रिट्रीवल, यानी कि पुरानी कोई इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करो। अगर आपने कोई और टेक्नोलॉजी पहले यूज करी थी तो फिर हम उसे लिंक करेंगे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे अगर मेरे को आपको लेट्स से कोई नया कोई मॉडर्न कंप्यूटर चलाना सिखाना है, तो पहले अगर आपने डेस्कटॉप चलाया है तो मैं आपको उससे, पीसी चलाया है तो मैं पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन से लिंक करने की, मर्ज करने की कोशिश करूंगी रिट्रीवल में। देन आता है सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन में यहाँ पर बच्चे इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट करना, यहाँ पर फैसिलिटेटर का काम होगा कि बच्चे इजिली समझ जाए, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उस टॉपिक को लेकर, ऐसा ना लगे बच्चे की अरे बाप रे क्या बता दिया ये तो टीचर ने, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो ऑफ कोर्स हमें बच्चे का पर्टिकुलरली हमें उसे टॉपिक से रिस्ट्रिक्टेड रहना है, हमें इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करनी, एग्जैक्टली जो हम बताना चाहते हैं टू द पॉइंट हमें बच्चे को समझाना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसे उस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। तो अगर वो समझ नहीं पाएगा उस टेक्नोलॉजी के बारे में तो वो यूज नहीं कर पाएगा। देन सिमेंटिक एनकोडिंग, जहां पर क्या होता है बच्चे आप लर्निंग में हेल्प करोगे, फैसिलिटेटर हो ना तो लर्निंग में हेल्प करोगे। देन आप बच्चा यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करेगा रिस्पॉन्डिंग में, आप क्या करोगे अब आप जाकर फीडबैक देते रहोगे कि अरे ये गड़बड़ कर दी आपने, ये की प्रेस कर दी, इससे देखो ये हो जाता है, नहीं नहीं ये नहीं करना, तो आप उसे प्रॉपरली बता रहे हो, ऐसे शट डाउन, ऐसे रिस्टार्ट सब बता दिया आपने। अब उसका फिर से असेसमेंट होगा रिट्रीवल में, फिर से
असेसमेंट होगा, न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, अब मिल चुकी है तो अब रिट्रीव करो, अब उसका प्रॉपर टेस्ट लो और फिर अब बच्चा कंप्यूटर को अलग अलग जगह पर यूज करता रहेगा, राइट वो सिर्फ उस क्लास में यूज नहीं करेगा, सिर्फ आपके सामने यूज नहीं करेगा, अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग चीजों के लिए यूज करेगा, दैट इज जर्नलाइजेशन। फिर आता है हमारे पास कॉमन क्रिएटिव्स। अब इसकी बहुत डिमांड आई थी मेरे पास टेलीग्राम पर भी कि मैम कॉमन क्रिएटिव्स बता देना, अच्छे से समझा देना, और ये है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कॉमन क्रिएटिव्स क्या होता है ना बच्चे, जैसे आप इसी यूनिट में आगे बढ़ोगे तो हमारे पास है ना कुछ ट्रेंड्स आ जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एथिक्स आ जाते हैं कि आप क्या कैसे एटिकेट्स होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के, टीचिंग के, और प्लस ट्रेंड आजकल के टाइम पर कैसे ईटी को यूज किया जा रहा है, तो उसी में फिर आ जाता है हमारे पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस उसमें आते हैं कॉमन क्रिएटिव्स। अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो तो आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, दैट आर कॉमन क्रिएटिव्स। फिर से सुनो, जब हम यहां पर बात करते हैं बच्चे अलग अलग ट्रेंड्स की कि ईटी को आप कैसे यूज कर रहे हो, तो उसमें हमारे पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आ जाते हैं कि ओपनली आपके पास कुछ कुछ एजुकेशनल रिसोर्सेज है जो आप एक्सेस कर सकते हो। तो अब ये OER में कॉमन क्रिएटिव्स आपके पास आ जाते हैं कि ये कॉमन क्रिएटिव्स, किसी का आप कंटेंट ले रहे हो तो कैसे उसे और कहां यूज कर पाओगे, कितना उसके साथ आप रीमिक्स कर पाओगे, तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग यहां पर कॉमन क्रिएटर्स हैं। तो छह हमारे पास कॉमन क्रिएटर्स होते हैं बच्चे। CC BY एट्रीब्यूशन, यानी कि आप किसी का भी कंटेंट लोगे उसमें आप चेंज कर सकते हो, रीमिक्स, ट्वीट, मतलब उसमें आप कोई भी चेंजेस ला सकते हो, कंटेंट को क्रॉप कर सकते हो, कमर्शियल नॉन कमर्शियल यूजर्स के लिए आप उसे प्लेसेस के लिए यूज कर सकते हो, बट आपको क्रेडिट देना होगा जिसका भी आपने कंटेंट लिया। जैसे मेरा कोई कंटेंट लिया है तो आप मेरे को क्रेडिट दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चे CC BY SA। CC BY SA क्या होता है, एट्रीब्यूशन तो है ही बट उसमें शेयर अलाइक आ जाता है, यानी कि जो भी आपकी यहां पर चीजें इंक्लूडेड थी वो सब, प्लस जो आप कुछ नया बनाओगे तो आपको उसकी लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, जैसे कि विकिपीडिया के केस में होता है, वो अलग अलग जगह से कंटेंट उठाता है बट जो उसने अब अपना खुद का कंटेंट बना लिया है, क्रेडिट उसने सबको दिया और खुद के कंटेंट का भी लाइसेंस ले लिया, दैट इज CC BY SA। देन है CC BY ND, नो डेरिवेटिव्स, यानी कि आप शेयर करो बट उसके साथ कुछ रीमिक्स मत करो, कुछ चेंज मत करो, पूरा का पूरा एज इट इज शेयर करो क्रेडिट के साथ, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए हो चाहे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए हो। देन CC BY NC, यहां पर क्या होता है बच्चे, आप नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, बस ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है बट नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए। यहां पर देखो ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों के लिए था बट अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉन कमर्शियल, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभात बच्चे, थैंक यू सो मच। हां जी, फिर आता है CC BY NC SA। ये क्या हो जाता है, सारी चीजें जो आपकी इसमें थी बट न्यू चीज का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसे आपने यहां पर लिया था, नॉन कमर्शियल के लिए आप यूज करोगे और आपको लाइसेंस यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन लास्टली आता है सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हमारा CC BY NC ND। जो चीज है एज इट इज रखो, क्रेडिट दो और नॉन कमर्शियल के लिए ही आप इसे यूज कर पाओगे, कमर्शियल के लिए यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये हमारे होते हैं कॉमन क्रिएटर्स जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एक बार ही सेशन खत्म होने के बाद ये फिर से देखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर लगेगा कि अरे ये कहां से क्या चीज उड़कर आ गई, समझ ही नहीं आया। बिल्कुल अभी बताती हूँ सुबह दर्शनी कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ी सी देर रुक जाओ, अभी बताऊंगी। फिर इसी में ही बच्चे हमारे डेलॉन एंड मैकलीन इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल था, जहां पर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम चेक करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज करी बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो कितनी सक्सेसफुल रही। तो ऑफ कोर्स आपने कैसी इंफॉर्मेशन दी है, क्वालिटी क्या थी इंफॉर्मेशन की, सिस्टम क्वालिटी कैसी टेक्नोलॉजी आपने यूज करी थी उसकी क्वालिटी क्या थी, सर्विस क्या क्या सर्विसेज आपने प्रोवाइड करवाई थी विद दैट टेक्नोलॉजी, ये तीनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3।
और फिर इसी के ही बेसिस पर हम देखेंगे कि बच्चे उसे कैसे यूज कर पाएंगे, वो कितने सेटिस्फाइड है, और अल्टीमेटली हमें वो टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चे को सिखाकर क्या मिला। बच्चे एक्सप्लेनेशन तो पिंकी हिंदी में ही चल रही है पूरी की पूरी, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल, बच्चे अभी बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम क्वेश्चन ही करेंगे प्रैक्टिस, डोंट वरी। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं अभी उतने मेरे को लाइक नहीं मिल रहे हैं। चलो अब आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर, गिव मी अ थम्स अप फटाफट से। हिंदी में ही तो है सत्य प्रकाश बच्चे। चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, एंड डोंट वरी स्टूडेंट्स, आज 10-15 क्वेश्चन होंगे, बट इसका 180 प्लस वाला सीरीज में भी पूरे 30 के 30 क्वेश्चन मैं इस यूनिट से लेकर आऊंगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हेलो इफ़त, ठीक है। सो एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, बाय द वे ये सारे भी PYQs हैं, ओके। चलो, so an instructional system that teachers can use to develop lesson plans which integrate the use of technology and media is known as what? बताओ, Dick and Carrie model, synchronous learning model, ADDIE model या फिर Assure model? Time शुरू हो चुका है, एक instructional system जहां पर teacher use कर सकती है उस particular instructional model को, किस लिए? Lesson plans बनाने के लिए। कौन सा model होता है वो? बच्चे पूरा हिंदी में ही एक्सप्लेन किया है, अगर थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया है, टर्म्स ऑफ कोर्स मैंने हिंदी में नहीं ली हैं क्योंकि वो मेरे को भी नहीं समझ आएंगे बच्चे। तो एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, बाकी टर्म्स इंग्लिश में मैंने ली हैं। हां जी, द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन डी, एश्योर मॉडल। बिल्कुल, एश्योर मॉडल की जब हम बात करते हैं वो पर्टिकुलरली किस पर फोकस करता है, काफी ज्यादा सिस्टमैटिक है, और उसके सिस्टमैटिक होने की वजह से, उसके स्टेप बाय स्टेप होने की वजह से लेसन प्लानिंग में एश्योर मॉडल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट पर्टेन टू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स भी है ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो आपको बताते हैं कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, उसको यूज करने के लिए कॉम्पिटेंट बनाते हैं टीचर्स को, जैसे NIET है, NIET या CIET आप बोल सकते हो, SIETs होते हैं, EMMRC होते हैं, NPTEL होते हैं। तो CIET के रिस्पेक्ट में बताओ इसमें से कौन सी चीज है जो नहीं करवाता CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, क्या नहीं करवाता बच्चे? क्वेश्चंस क्वेश्चंस बच्चे पूरे हिंदी में ही है, सो डोंट वरी। टाइम अप। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी, बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इनफैक्ट सही आंसर दिया था, शाबाश। ऑप्टिमल यूसेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, इससे ईटी का CIET का कोई लेना देना नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से कंसर्न्ड है, सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, डिसेमिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम जिसमें ऑफकोर्स हमारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, कैसे आप अपने क्लासरूम को स्मार्ट क्लासरूम बना पाओगे, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इट्स सब्सिडरीज, कैसे उसे आप यूज कर पाओगे, कैसे बाकी सारी चीजें मैनेज कर पाओगे, वो भी CIET बताता है। सो ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 5R परमिशंस ऑफ OER। चलो आप खुद सोचो फटाफट से, ये मैंने आप लोगों को जान करके नहीं बताया, OER तो बता दिया मैंने आपको, कॉमन क्रिएटिव्स बता दिए, अब कॉमन क्रिएटिव्स के इतने सारे आप लोगों ने टाइप भी पढ़ लिए, तो आप बताओ OER में कौन कौन से 5R परमिशन इंक्लूडेड होंगी, क्या क्या कर सकते हो आप? हिंदी में ऑप्शन है, इंग्लिश में भी है, पढ़ो फटाफट से और मेरे को बताओ। हाय तुबा,
लेट हो गए थोड़े से बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइव आर परमिशंस ऑफ OER? द टाइम हैज स्टार्टेड, क्विकली। कौन कौन सी चीजें आपको लगती हैं कि आप कर पाते हो OER में, कॉमन क्रिएटिव्स के टाइम पर? एंड समय समाप्त। यस, शाबाश शाबाश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आप रिटेन कर सकते हो, आपको कोई चीज, कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है, कोई एजुकेशनल रिसोर्स मिल सकता है, रीयूज कर सकते हो, फिर से यूज कर सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हो, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस ला सकते हो, रीमिक्स कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। शाबाश। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग टाइप? यू गो, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसिंग टाइप है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शाबाश। जो स्टूडेंट्स लेट आए ना बच्चे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं इसके बारे में, तो सेशन को थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ये अतरंगी क्वेश्चन कहां से आया है। हाँ जी, द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन सी, CCBYNC एंड ND। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइप होता है। यहां पर बच्चे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए ही आप यूज कर पाओगे, एज इट इज आपको यूज करना है, एंड नो डेरिवेटिव्स, कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो एट्रीब्यूशन के टाइम पर। ऑप्शन सी, शाबाश। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग ऑनलाइन सर्वे फॉर रिसर्च पर्पस? इनमें से कौन सा है जो ऑनलाइन सर्वे के लिए यूज किया जा सकता है फॉर रिसर्च पर्पस? ऑनलाइन सर्वे यानी कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो। रिसर्च गेट्स, अकेडमिया, गूगल प्लस, गूगल फॉर्म। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। यस मैम, आफ्टर क्लास स्टार्टिंग से देखेंगे। हाँ जी तुबा, बताओ बताओ फटाफट। ऑलरेडी 4 PYQs हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो चुकी है इस पर्टिकुलर यूनिट की, तो अगर थोड़ा सा टाइम आप लोग निकाल पाओ तो बच्चे वो कंसेप्ट्स जरूर देख लेना। और ये आपके PYQs है। करेक्ट आंसर क्या है? टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे फॉर रिसर्च पर्पस, तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर सर्वे ले रहे हो, सो आप गूगल फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है? हाँ जी बच्चे, यस। यू लर्निंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूजर लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग, यूबिक्यूटस लर्निंग, यूबिक्यूटस लर्निंग, या फिर यूनाइटेड लर्निंग? यू लर्निंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? यूजर, यूट्यूब, यूबिक्यूटस या फिर यूनाइटेड? बताओ। यू लर्निंग का मतलब क्या है? एंड टाइम अप। यूबिक्विटस लर्निंग बच्चे, यू लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो यूबिक्विटस लर्निंग यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी लर्निंग कर रहे हो, एवरीवेयर। यहां पर आप ई लर्निंग का तो यूज करते ही हो, प्लस आप मशीन को भी, कोई भी मशीन, कोई भी टूल आप यूज करते हो, तो ई लर्निंग प्लस एम लर्निंग हो जाता है, उसे हम यूबिक्विटस लर्निंग बोलते हैं। ऑप्शन सी वॉज द करेक्ट आंसर। ठीक है आनंदी,
What percentage of courses are allowed by UGC through MOOC in a semester? कितने परसेंटेज ऑफ कोर्सेज अलाउड हैं बाय यूजीसी थ्रू मूक? 40%, 20, 25, 30? एनी टाइम एनी वेयर, ई लर्निंग और एम लर्निंग? चलो बताओ कोर्सेज का कितना परसेंट आप मूक की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो इन अ सेमेस्टर दैट हैज बीन अलाउड बाय यूजीसी कि चलो इतना तो कर ही सकते हो, मैक्सिमम लिमिट बतानी है 40, 20, 25, 30। शाबाश, एंड टाइम अप। करेक्ट आंसर क्या है बच्चे यहां पर? 40%। आप अपने एक सेमेस्टर में जो भी आपके कोर्सेज हैं उसके 40% आप मूक की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो एज अलाउड बाय यूजीसी। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक एंड कैरी मॉडल। डिक एंड कैरी मॉडल के लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं, एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है डिक एंड कैरी मॉडल की बाय मी ओनली ऑन यूट्यूब, अभी थोड़े टाइम पहले की ही है। अगर आपको डिटेल में डिक एंड कैरी मॉडल, एश्योर मॉडल, एडी मॉडल समझना है तो आप ये वीडियो जरूर देखना इस पर्टिकुलर क्लास के बाद। चलो अब बताओ डिक एंड कैरी मॉडल का सीक्वेंस क्या है? पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? क्या बच्चे? वो बच्चे आप वापस से प्ले करोगे वीडियो, आपको दिख जाएंगे। जुनैद, लक्ष्मी, संचिता, मधुस्मिता, सुब्रत, फिरदौस, डोमनिका, प्रिया, जया, मिर्जा, बबीता, कोयल, सुशांता, नयाज, नहीं नाज, आई थिंक सो। चलो करेक्ट आंसर क्या था बच्चे यहां पर? बिल्कुल, ऑप्शन ए। जब हम डिक एंड कैरी मॉडल की बात करते हैं तो डिक एंड कैरी मॉडल में सबसे पहले आप डिजाइन करोगे, एनालाइज करोगे कि आप करना क्या चाहते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलप करोगे कोई मॉडल, फिर आप जब उसे इंप्लीमेंट करने जाओगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप यूज कर सकते हो, और फॉर्मेटिव असेसमेंट ही आपको हेल्प करेगी अपने मॉडल को फिर से रिवाइज करने के लिए। रिविजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिक एंड कैरी मॉडल में, ठीक है। एंड लास्टली समेटिव असेसमेंट। हाँ जी बच्चे, मैंने आपको बताया तो आप फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हो जो भी PYQs हो चुके हैं। चलो अगला सवाल, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में इन जनरल बच्चे, इन जनरल आपके क्या सीक्वेंस रहते हैं? इवेल्युएट, इंप्लीमेंट, डिजाइन, डेवलप, एनालाइज, क्या स्टेप होंगे? ऑर्डर बताओ क्या होता है। बहुत कॉमन, बहुत इजी सवाल है। शफिया, जया, शाहनिवाज, बच्चे मैंने आपको बताया तो, सत्य प्रकाश, मैंने आपको बताया तो कि आप फिर से प्ले करो, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पहले वाले PYQs देखने हैं तो, और बाकी टेंशन मत लो बच्चे, अभी इसका हमारा 180 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज में इस पर्टिकुलर यूनिट के सेशन आना बाकी है, तो 30 क्वेश्चंस तो अभी मैं और करवाऊंगी, 30 PYQs और करवाऊंगी इसी पर्टिकुलर यूनिट से। ओके, सो यस, हमारा प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा? ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल ठीक है। जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल की, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे कि आप करना क्या चाहते हो, ठीक है, एनालाइज करोगे आपके खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर आप डिजाइन करोगे जैसे हमने डिक एंड कैरी मॉडल में देखा, कुछ डेवलप करोगे, देन इम्प्लीमेंट करके इवेलुएट करोगे। ये तो हमारा एकदम क्लासिक चीज है, सबसे लास्ट में आता है इवेलुएट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ द एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। इनमें से कौन सा है जो एडी मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का एक फेज, एक पार्ट नहीं है? अप्लाई, डेवलपमेंट, एक्सप्लोर या बोथ ए एंड सी? अप्लाई, डेवलपमेंट, एक्सप्लोर या बोथ ए एंड सी? आप YouTube पर बात कर रहे हो बच्चे, YouTube पर बात कर रहे हो या फिर प्रॉपर कोर्स क्लासेस की बात कर रहे हो? आप YouTube पर बात कर रहे हो तो आप सिंपली मेरा नाम लेकर बायजूस टाइप कर सर्च करोगे तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऐसे ही आप प्रियंका मैम की क्लासेस भी सर्च कर सकते हो, ठीक है? सो हां जी, इसमें से कौन सी चीज है जो पार्ट नहीं है एडी मॉडल का? इट इज, यस, अप्लाई करते हो, एक्सप्लोर करते हो, नहीं करते हैं, है ना, एनालाइज करते हैं। सो इसीलिए ऑप्शन डी पार्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट, एश्योर मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, एश्योर मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट गागने, रॉबर्ट हाइनिश एंड माइकल मोलांडा, मेजन, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी। अच्छा, इजी लग रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ऑफ कोर्स इजी लगेंगे इतुबा। हां जी, हां जी बच्चे, यूट्यूब पर एश्योर मॉडल किसने डेवलप किया था ये हम अपनी ऐप क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। एश्योर मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, मोनेरोल, ये कौन सा आंसर था? हां जी, रॉबर्ट हाइनिश एंड माइकल मोलांडा, इन्होंने एश्योर मॉडल डेवलप किया है। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर एन एश्योर मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ई का मतलब क्या है एश्योर मॉडल में? एंगेज, इलैबोरेट, इवैल्यूएट या फिर एक्सप्लेन? एंगेज, इलैबोरेट, इवैल्यूएट, एक्सप्लेन, और ये सारे आपके PYQs हैं, तो आप सोच सकते हो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग ये यूनिट है, तो आप इजीली प्रैक्टिस भी करोगे, PYQs भी अच्छे से देखोगे तो वो हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज इवैल्यूएट। शाबाश, शाबाश। And yes, students, जैसा कि मैंने कहा था, आज हमें कंसेप्ट क्लियर करना था इस पर्टिकुलर यूनिट का और कुछ PYQs प्रैक्टिस करने थे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बाकी सारी चीजें या फिर कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे या फिर किसी टॉपिक के आपके 180 प्लस क्वेश्चन वाली मैं सीरीज ले आऊंगी और फिर हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे PYQs। सो यस, टेलीग्राम का पार्ट बन जाओ बच्चे, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अबाउट दी क्लासेस। ये पर्सनल है जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ, एंड दिस इज दी टाइमिंग फॉर बायजूस। आप बोल सकते हो फ्री ऐप सेशन जो हमारे होते हैं वेंसडे फ्राइडे 1 बजे, एंड यूट्यूब पर ट्यूजडे थर्सडे शाम 7:30 बजे। सो डू लाइक दी सेशन, सब्सक्राइब दी चैनल, कमेंट, शेयर एंड एंजॉय। कूल, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।